आप और मैं जब स्कूल पढ़ते थे, ये मैं इस दौर के बच्चों की बात नहीं कर रहा, ये कम से कम जो 35-40 साल से ऊपर की उम्र के हैं, तो 8 आने मिलते थे रोज, या कोई 1 रुपया मिलता था, तो उस वक्त 1 रुपया भी बड़ा लगता था। और कभी ईद पे या किसी मौके पे या घर में कोई मेहमान आ जाए और वो 5 रुपये दे जाते, तो लगता था कि आज तो अखीर ही हो गई है। तो उस वक्त 5 रुपये भी बड़े लगते थे, इसलिए कि उस वक्त हमारे पास लाखों नहीं थे, तो 5 भी बड़े थे। और आज अगर आपको कोई 5 दे, तो आप उसकी तरफ हंस के देखेंगे, ये मुझे क्या दे रहे हो। तो जब आपने लाखों नहीं देखे थे, तो 5 भी बड़े लगते थे। अब लाखों देख चुके, तो वो 5 कितने छोटे लगते हैं। तो आज 60 साल बड़े लगते हैं, लेकिन जब कयामत का एक दिन 50,000 साल का देखेंगे, तो ये बहुत छोटा सा दिन लगेगा। तो हजरत शेख खतली बोले, अदुनिया यौमन, दुनिया एक दिन है, वला ना फीहा सौमन, और हम इसको रोजा रख के गुजार रहे हैं। देखो, जिन्होंने सुबह से लेकर इस वक्त तक रोजा रखा है, दिन तो उनका भी गुजर गया। बीमार भी होंगे आप में से कई, शुगर के मरीज भी होंगे, मरीज के लिए दिन काटना और रोजे से काटना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कट ही गया ना। तो जब हम रोजा इफ्तार कर रहे होंगे, ठंडा और मीठा मशरूब हलक से नीचे उतर के रगों को तर कर रहा होगा, तो एक अजीब तमानियत होगी। तो अगर कोई शख्स ऐसा हो जो इफ्तार के दस्तरखान पे बैठा हो और उसने रोजा ना रखा हो, और सुस्ती से उसने सारा दिन खाते पीते गुजार दिया हो, तो अब जब रोजा खुलेगा, तो उसके दिल में ख्याल आएगा, ये माड़ा सा आदमी भी तो रोजा रख के सारा दिन काट ही गया है, तो अगर मैं भी रख देता तो यार दिन तो मेरा भी गुजर ही जाना था। लेकिन उसको वो रस्मन साथ तो ले रहा होगा, लेकिन अगर उसने रोजा नहीं रखा, तो उसके लिए उसमें कोई लज्जत नहीं होगी, उसके लिए कोई राहत नहीं होगी। वो सोचेगा कि यार मैं भी रोजा रख के गुजार देता तो दिन तो गुजर ही जाना था, इसका भी तो गुजर गया, मेरा भी तो गुजर ही जाना था। तो जब कयामत के दिन बड़े बड़े बद आमाल करने वाले, बुरे आमाल करने वाले जब सजाएं पा रहे होंगे, तो वो देखेंगे कि यार इस फकीर की जिंदगी भी तो गुजरी गई थी, इस शख्स का भी तो वक्त गुजर ही गया था। तो हजरत दाता गंज बख्श अली अजवेरी के शेख कहते हैं, दुनिया यौमन वला ना फीहा सौमन, दुनिया एक दिन के बराबर है और मैं रोजा रख के गुजार रहा हूँ, अपनी ख्वाहिशात को रोकता हूँ, अपनी आरजुओं को रोकता हूँ, गोया एक रोजा रख के जिंदगी गुजार रहा हूँ, तो जिंदगी तो मेरी भी गुजर जाएगी, और जो नहीं रोजा रख के गुजार रहे, तो जिंदगी तो उनकी भी गुजर जाएगी। तो फरमाया, मैं रोजा रख के जिंदगी गुजार रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इसलिए अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों के पास बैठा करो, ये मेरी और आपकी ज़रूरत है कि अच्छे लोगों की सोहबत में जाके बैठे। जब अच्छाई की मजलिस में आप बैठेंगे, मैं बैठूंगा, तो कोई खैर की बात मिलेगी जो हमारी आखिरत और दुनिया की बेहतरी की ज़ामिन बन जाएगी। या जितनी देर बैठे रहेंगे मजलिस में, कम से कम उतनी देर तो बुराइयों से, गुनाहों से बचे रहेंगे और दिल में नूर उतरता रहेगा। अब कोई फायदा हो ना हो, तो ये थोड़ी बात है कि कानों को हुजूर की अहादीस नसीब हो रही हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन जो है वो सुनने को नसीब हो रहे हैं, तो इसकी बरकात उतरती रहेगी, और आप यहाँ से उठ के जाएंगे भी, हदीस रसूल की खुशबू आपके साथ साथ चलेगी। तो इसी तरह बुरे शख्स के पास बैठने से या तो बुराई असरअंदाज होगी, और अगर नहीं है तो फिर नेकी असरअंदाज होगी।